अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया ये सिपाही कोंच कोतवाली क्षेत्र की सुराही चौकी में तैनात गजेंद्र सिंह है। ये पेट्रोलिंग करके चौकी पर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ शराबियों ने इस पर हमला कर दिया और मरणासन समझकर इसे छोड़कर भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई और इसे इलाज के लिए यहां भर्ती कराया है। मैं और दरवाजी गश्त करते हुए जा रहे थे तो भनु तालाब का एक डाला रखा है, वहाँ चार पांच लोग शराब पी रहे थे जी। हमने उन्हें टोका तो गाली वाली देने लगे और बहुत देर धक्का मुक्का हुई, फिर उसने हथौड़ा मार दिया, दरवाजी के डंडे बढ़ने मारे, मेरे भी डंडे मारे, मुँह पहुँच लिया नाखून वाखून से, बाद में हथौड़ा मार दिया, दुकान पर रखा था। कितने लोग थे वो? पाँच छः लोग थे और औरतें भी थी। अच्छा, तो यहाँ आपको कौन लेके आया अस्पताल? यहाँ पे जा रहे थे रास्ते से तो मोटरसाइकिल वाला वो ही बैठा था, तो उसके बाद में पुलिस पहुंची मौके पे, वो लोग पकड़े गए भाग गए? आप तो पकड़ गए हैं और गार्ड इंस्पेक्टर साहब सब लोग पहुंच गए, अभी गश्त कर गई तो गए थे हम। सिपाही का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि सर पर गंभीर चोट है लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। हाँ, ये सिर में माथे पे इनको जो है चोट लगी है, भारी चीज से मारा हुआ है। तो अभी कंडीशन कैसी है? अब कंडीशन कैसी है? अभी तो ठीक है, अभी ठीक है। तो इनको रेस्ट करने की कितनी जरूरत है? रेस्ट करने की जरूरत है और वॉच करना पड़ेगा इनको 48 घंटे तक। सरकार बनने से पहले भाजपा ने बड़े बड़े दावे किए थे कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही गुंडागर्दी का खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन योगी सरकार में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है और अब इनके राज में रखवाले ही सुरक्षित नहीं रह गए हैं, तो फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? जालौन से अनुज कौशिक, न्यूज 75 ब्यूरो।